गाइस हम लोग स्टेशन के अंदर आ चुके हैं, तो अभी देखना है यहाँ पे हमारे सारे लोग जो हमारी पूरी की पूरी हमारी फैमिली है, हम लोग कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, जैसे कि भीख मांगने वाले बैठे हैं। आप सबका फिर से वेलकम है एक और हमारे एक और वीडियो के साथ। तो गाइस आज का वीडियो कसम से इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज मैं आपको बता दूँ, बस मैं इस वीडियो का इंट्रो देने आया हूँ और आगे का ब्लॉग मेरे भैया जान कंटिन्यू करेंगे। ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों ने थंबनेल टाइटल पढ़ लिया होगा, अच्छी बात है पढ़ लिया। तो फिर इसका आगे का मैं नहीं बताऊंगा, आगे का आप जाकर देखो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड मेरा बैड लक है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज मेरे टू सिस्टर का पेपर चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है, उसीलिए किसी ना किसी को यहाँ पर रहना आवश्यकता है, ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। वैसे भी जिसका बुलावा आता है वही जाता है वहाँ पे ख्वाजा के दरबार, जो जिसको बुलाते हैं ख्वाजा वही जाता है, तो मुझे अभी नहीं बुलाया है। इंशाल्लाह हम भी कभी जाएंगे जब हमारा बुलावा आएगा तब। अभी तक तो हम नहीं जा रहे हैं, घर पे रह के ब्लॉग बनाएंगे अपना और कुछ खुराफाती करेंगे। इन तीन दिनों में, तीन दिन का मुझे मिला है गैप, तीन दिन में पूरा खुराफाती मचाएंगे, हम अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट आप सभी के लिए लाएंगे। बस ठान लिया आपके भाई ने, प्लीज सपोर्ट करो, फुल सपोर्ट करो। एंड आगे ब्लॉग जाके देखो आगे ब्लॉग, और हो सके तो इस वीडियो का एंड मैं ही कर दूंगा, जब वो तीन दिन के बाद वापस यहाँ पे आएंगे तब मैं उस ब्लॉग को एंड कर दूंगा। एंड इस वीडियो को हम थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले बस देखो, बस डिवाइड कर दिया, ठीक है, मतलब डिवाइड कर दिया और ये थ्री पार्ट में डिवाइड होकर वीडियो अपलोड होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, बस देखो, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। आगे का ब्लॉग मेरे भैया जान करें, देखते हैं मेरे भैया जान कैसे ब्लॉग करते हैं। एंड वीडियो एकदम खतरनाक होने वाली है, जाओ, इतना बड़ा मैंने इंट्रो कर दिया, तीन मिनट का काफ़ी है, मेरे हाथ बहुत दर्द हो गया। एंड इन तीन दिनों में बहुत से खुराफाती करेंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट बनाएंगे आप सभी के लिए, फिर अपलोड करेंगे तो फिर आप देखोगे ना, तो फिर उसके लिए फिर सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, फिर और बेल आइकन को ऑल कर लो भाग्य, ठीक है। एंड मिलते हैं आप सबको एंड में, ठीक है, एंड इंट्रो में, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को कंटिन्यू करो, वीडियो को एंजॉय करो, बाय बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, देखिए सब लोग, सब लोग इधर देखिए, हाँ ये भी हमारी फैमिली है गाइस। हमारा जिशान 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 हे गाइस, तेरा जिशान 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 जा तो नहीं रहा, लेकिन हमें छोड़ने के लिए जा रहा है, वो ठीक है। हमारी ट्रेन अभी कहाँ है बताइए, नहीं तुमसे ना हो पाएगा। हे गाइस, पुलिस स्टेशन पहुँच चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं, बाकी लोगों का सामान पहुँच गया ऊपर, हम लोग भी जा रहे हैं प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए, चलते हैं। हे गाइस, हम लोग स्टेशन के अंदर आ चुके हैं, तो अभी देखना है यहाँ पे हमारे सारे लोग जो हमारी पूरी की पूरी हमारी फैमिली है, हम लोग कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, जैसे कि भीख मांगने वाले बैठे हैं। गजब बेइज्जती है, सारे लाइन के हमारी पूरी फैमिली को कह रहे हैं कि भीख मांगने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे सारी। ये भी सब लोग हमारे अपने ही लोग हैं, सब लोग बोलो, स्टेशन पे ज़्यादा रश नहीं है, भीड़ नहीं है, खाली है, ठीक है। तो जब ट्रेन में बैठ जाएंगे तो एक वीडियो आपको और दिखा देंगे, रास्ते यानी कि फुल रिव्यू आपको दिखाएंगे। यहाँ से जाएंगे हम लोग पहले सीधा पुरानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली से हमें जाना है राजस्थान अजमेर, तो न्यू दिल्ली जाना है गाइस, पता नहीं था मेरे को, वैसे मेरे को तो क्या पुरानी दिल्ली जाना है, लेकिन न्यू दिल्ली जाना है हम लोगों को बता दिया जाएगा। तो
यानी कि पहले न्यू दिल्ली जाएंगे, न्यू दिल्ली से हम लोग को जाना है निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर, वहाँ से अंदर जाके ऑल रिव्यू आप लोगों को दिखाया जाएगा, देख सकते हैं आप लोग अच्छे से कि वहाँ पे कैसे जाते हैं लोग, कैसे वहाँ पे ज़ियारत करते हैं, सारी बातें आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तो तब तक के लिए चलते हैं फिर, टाटा बाय बाय। हाय गाइस, अभी देखते हैं हमारा बोगी नंबर है S4। अभी यानी कि अभी आ ही रही है, अभी आके जोड़ेगा, यानी कि हमारा S4। हम लोगों का ढाबा यही है। नहीं, S4 नहीं था, S7 तक था। ट्रेन तो हमारी चली गई, पता ही नहीं लगा। A few moments later. So friends, तो हम लोग आ चुके हैं दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली। वैसे मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी यार क्या करूँ, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग ट्रेन से नीचे उतर चुके हैं। आज बेटा पास करो, तेरे खरगोश वाले दांत, ऐसा लग रहा जैसे कहीं हम लोग गांव जा रहे हैं, लेकिन देखो सामान कितना सारा है, वो भी हमारा ही है यार। फाइनली हम लोग निजामुद्दीन औलिया दरगाह पहुंच चुके हैं, तो काफ़ी थक गए यार। एक तो पता नहीं ऑटो वाला में कहाँ लेके चला गया था यार, निजामुद्दीन औलिया स्टेशन लेके चला गया था, जबकि हमें आना था दरगाह। थोड़े थक गए हैं तो वहाँ से फिर दूसरा ऑटो ले गए थे हम लोग, यहाँ फिर पहुँचे हैं दरगाह के पास, पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो सुबह टाइम हो चुका है गाइज, 7:30 हो चुके हैं। ठीक, और जस्ट अभी हम लोग फ्रेश वगैरह होंगे, ये हमारा होटल रूम है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा फ्रेश वगैरह होके यहाँ से जाएंगे ज़ियारत के लिए। देखते हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से काफ़ी बंद है, आज संडे है तो सब कुछ क्लोज है यहाँ पे, मतलब कुछ भी खुला हुआ नहीं है, तो यानी कि भीड़ भाड़ भी है, आराम से हम लोग ज़ियारत कर सकते हैं। देखते हैं, अब लोग भी दिखाएंगे ज़ियारत, हम लोग जाएंगे जहाँ पे ज़ियारत करने के लिए निजामुद्दीन औलिया दरगाह, आप लोग भी वहाँ पे देख लेना। ठीक, सो जिनको भी कोई भी दुआएं मांगनी नहीं हो, अच्छे से दुआएं भी कर लेना, हम लोग भी आप लोगों की दुआएं कर देंगे और फिरत हो जाएगी आप लोगों की। सो तो जरा हम लोग आते हैं नीचे से देख के। ठीक है, नीचे चलते हैं गाइस। ये देखिए, ये सभी हमारे मेंबर्स लोग जो कि आईडीज वगैरह दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। मेरा रे हजरत, अच्छा बताइए काहे की बेइज्जती, जब पैसा जितना लगाएंगे उसी के हिसाब से रूम मिलेगा। दरगाह के लिए निकल चुके हैं, तो बाकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे आगे रास्ते में। ठीक, कल बदलाए नहीं थोड़ा, हम लोग यहाँ पे देखिए चादर वगैरह ले रहे हैं, मिठाइयाँ ले रहे हैं पतिया के लिए। देखिए दिस इज माई फैमिली, इस हमारी फैमिली, एक कमेटी मेम्बर है मस्जिद की, और ये हमारे मुन्ना अंकल है, मुन्ना अंकल के सबसे बड़े चीफ गेस्ट। आज का क्या प्लानिंग है? तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। मुन्ना अंकल के सबसे बड़े चीफ गेस्ट, यहाँ से दरगाह का रास्ता जाता है गाइस। सुबह यहाँ पे सारे फूल वाले लोग, बर्तन वाले लोग, ये देखो छोटे बच्चों को खेलने वाले जो बर्तन होते हैं ना, ये वही है, चूल्हा चौका ये वगैरह वगैरह। अभी तो आगे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दिखानी है बाकी आप लोगों को। दरगाह ज़ियारत के लिए हम लोग निकल चुके हैं। मेरा नाम निजाम है, खाने में जाकर फोन करती हूँ, बता रहे चलिए भाई साहब, जब से मूवमेंट करिए, यहाँ भी चले जाकर रिपोर्ट कर देंगे।
हेलो सर, हेलो, गंदी जगह मूवमेंट रखी, फिर आप फूल नहीं है, घूम कर आइए। बचा लीजिए ना, उधर की दरगाह है ना, उधर बचा लीजिएगा। अरे गर्मी समाप्त है तो पूरा घूम के दरगाह जाए, उधर आदमी थोड़ा आगे उस साइड में दरगाह पर। अभी हमने निजामुद्दीन औलिया दरगाह पर ज्यारत कर ली है, हम सब लोग गए थे, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी और विदाउट मास्क, और ज़्यादा लोग वहाँ पे खड़े रहने का कोई अनुमति नहीं था, वहाँ पे परमिशन नहीं था। तो मतलब जाते जाते ही ज्यारत करना था, चादर चढ़ाना था, पाते अपने पढ़ना निकलना था, वहाँ पे कोई भी लोग रुका नहीं, रुकने नहीं दिया, बिल्कुल बहुत सख्ती है। और वो दरगाह 10 दिन तक बंद थी किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, और आज खुली वो दरगाह। बड़े किस्मत आ जाए कि आज दरगाह खुली और हम आज ही पहुंच चुके थे। तो खैर अभी हम लोग तो जा रहे हैं मैदौली दरगाह, वहाँ जाएंगे, वहाँ से आपको ज़ियारत करेंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे। सो लेट्स गो। इनका नाम क्या है? फाजा बख्तियारी। तो हम तो पहुँच चुके हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी के हज़ार शरीफ पर। वीडियो बनाना अलाउ तो नहीं है, बट छुप छुप के बना किसी के ऊपर रखी कोई। ये दरगाह है यहाँ पे। अभी हम लोग आए हैं, अगरबत्ती जला लेते हैं, उसके बाद फातिहा करेंगे, फातिहा करके जायद करके निकल लेंगे हम लोग यहाँ से। एक मिनट, आगे से जाइए, नहीं आगे से जाइए, मैं बना दूंगा, पहले आगे से जाइए, आगे से जाइए, आगे से वहाँ से हम जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं, अब अगर मोबाइल बंद हो गया गिरेगा तो वहाँ मोबाइल लगे उठा था मोबाइल के लिए 12-14 रुपये लोगों को मोहम्मद है ये
हम लोग अब जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं लेकिन बताऊंगा आगे जाके वीडियो में लगभग। लेकिन हम लोगों ने हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियारी यहाँ से ज़ियारत कर चुके हैं हम लोग। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि की बारगाह, इनके बारगाह में अब जा रहे हैं, वहाँ ज़ियारत करेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, सलाम पढ़ेंगे, फिर वहाँ से सीधा हम लोग फिर यहीं आएंगे हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियारी के बारगाह में, और यहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे घर। तो बाय बाय, वहाँ चलते हैं तो आपको दिखाते हैं। वहाँ का मंजर भी बहुत अच्छा है, यहाँ का मंजर भी बहुत अच्छा था, बहुत ही शानदार था। वही बात है ना, ये जमीन कब्जा करने का चक्कर में पड़ा हुआ है, सब जगह इसमें सारे कब्जा ही है। बाबा दवा खाना है, एक बार दुकान से उनके मैं घर तक के आ गया लेकिन वो साइड नहीं दी है मुझे। अच्छा हाँ, निजामुद्दीन औलिया में है दरगाह के पास, तो अभी हम होटल के नीचे हैं जहाँ पे हम रुके हुए थे, तो जस्ट अभी हम खाना खाने के लिए आए हैं, एक बज चुका है, तो खाना खा के जस्ट हम लोग निकलेंगे यहाँ से लाल किला, वहाँ से घूम के फिर हम सीधा जाएंगे अजमेर शरीफ यानी कि राजस्थान। तो सब लोग आ चुके हैं और भी कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं रास्ते में। I'm gonna go get some more.